अच्छा जनाब, अब ये आईकेप का एक पास पेपर का क्वेश्चन है, स्प्रिंग 2011, क्वेश्चन नंबर 4A। और इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि 3x3 मैट्रिक्स पर क्रैमर्स रूल कैसे अप्लाई करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कैसे अप्लाई करना है। तो हमें ये चीज़ें भी आ जाएंगी और हमारा एक पास पेपर भी कवर हो जाएगा। सबसे पहले हमें जो इक्वेशंस दी हुई हैं, इस इक्वेशंस को हमें एक स्पेसिफिक फॉर्म में लेना लेकर आना है, फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे अपने मैट्रिक्स में। हमें ये ख्याल रखना है कि एक्स के सारे एलिमेंट्स एक साथ हों, तो वो है 2x है, उसके नीचे 3x है और उसके नीचे -x है, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर x का कोई एलिमेंट बाद में होता तो उसको सबसे पहले लेकर आ जाना। फिर -y +2y और +2y है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। z के एलिमेंट्स में +z +2z और -z है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। अब इक्वल्स टू के राइट साइड पर जो कांस्टेंट है वो जाएगा, यानी कि -1, या फिर ये -8 राइट साइड पर जाएगा तो 8, या फिर ये -1 राइट साइड पर जाएगा तो 1। अब इसको हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, तीन मैट्रिक्स बनेंगे, 2 3 -1, -1 2 2, और फिर सिर्फ जेड लिखा हुआ है, यानी कि 1 2 -1। फिर हम लिखेंगे एक्स वाई और जेड तीनों चीज़ें दूसरे मैट्रिक्स में, और लास्ट मैट्रिक्स हमारा होगा 1 8 1। अब सवाल में हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्रैमर्स रूल यूज़ करें या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करें। अगर हम क्रैमर्स रूल यूज़ करते हैं तो पहले तो हम डिटर्मिनेंट ढूंढेंगे। डिटर्मिनेंट क्या बनेगा भाई, 2 लिखा, ठीक है, और AD-BC अप्लाई किया, जिस तरह से मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि हम किस तरह से 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ढूंढते हैं, वही सारी चीज़ें आप यूज़ करते हुए और इसका डिटरमिनेंट आप मालूम कर सकते हो बआसानी। और वही प्रॉपर्टीज़ अगर मैं अप्लाई कर दूं, तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमने सबसे पहले 2 लिखना है, वो हमने लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे 2 की रो और कॉलम को छोड़कर, उस पर AD-BC वाला रूल अप्लाई करना होगा। अगर AD-BC वाला रूल अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 2 × -1 इज -2, और -2 × 2 विच इज 4। फिर सेकेंड एलिमेंट हमारा -1 है, और बेसिक फॉर्म में यहाँ पर माइनस आता है तो ये बन जाएगा +1, और फिर 3 × -1 इज -3, और -1 × 2 विच इज +2। फिर लास्ट एलिमेंट के साथ पॉजिटिव साइन होता है। अच्छा, ये डिटरमिनेंट कैसे निकाल रहा हूँ, उसके लिए आप इसे पिछले वाली वीडियो सीरीज के लेक्चर ज़रूर देख लेना। और अगेन 3 × 2 = 6, -−+ और ये 2 आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे, -2 −4 − 6 बनता है, -6 × 2 इज -12, -3 और +2 -1 बनता है, ये -1 हो गया, और लास्ट में आ गया 8। इसको सॉल्व करेंगे, -13 और +8 सॉल्व कर कर हमारे पास जो डिटरमिनेंट आता है वो आ रहा है -5। ये हमारा बेसिक डिटरमिनेंट आ गया, जो कि है -5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम क्रैमर्स रूल अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। अगर हम क्रैमर्स रूल अप्लाई करते हैं तो क्रैमर्स रूल के हिसाब से हमें अगर एक्स ढूंढना है, एक्स विल बी इक्वल्स टू डेट एक्स अपॉन बेसिक डेट, तो हम एक्स के एलिमेंट्स को रिप्लेस करेंगे विद 1 8 1, बाकी एलिमेंट्स -1 2 2 1 2 -1 ही रहेंगे। डेट ऑफ एक्स निकालेंगे किस तरह से भाई, हमने अगेन 1 लिखा, 2 × -1 इज -2, -2 × 2 = 4, फिर माइनस और -1 है तो -−+ हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 8 × -1 इज -8,
और माइनस 2 इंटू 1 इज -2, फिर +1 लिखा और 8 2 16 -2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -6 -10 और +14। आई गेस यही आना चाहिए। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यूज़ आ रही हैं, अच्छा एक छोटी सी करेक्शन करनी है हमें, और वो करेक्शन ये करनी है कि ये क्योंकि एलिमेंट -1 है तो ये -1 होना चाहिए और ये भी -1 होना चाहिए, और इसलिए ये चीज़ भी -1 होगी। देयरफॉर ये +6 हो जाएगा और 20 - 10 इज 10 बनेगा। तो हमारा एक्स जो होगा वो होगा 10 डिवाइडेड बाई बेसिक डिटर्मिनेंट विच इज़ -5, और ये बनेगा -2। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। वाई अगर हम ढूंढेंगे तो वाई ढूंढने के लिए अगेन क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यूज़ को 2 3 -1 ऐसे ही रहने देंगे, जो वाई की वैल्यूज़ थी उसको रिप्लेस कर देंगे -1 8 1 से, जेड की वैल्यूज़ को 1 2 -1 ऐसे ही रहने देंगे, डेट ऑफ वाई निकालेंगे। उसके लिए अगेन 2 लिखा, फिर 8 इंटू -1 इज -8 -2, फिर -1 हो जाएगा, 3 इंटू -1 इज -3 -2 इंटू 1 2 इंटू -1 2 और +1, और +1 के साथ 3 इंटू 1 इज 3 -8, और इसको सॉल्व करते हैं 2 इंटू -10 इज -20, और फिर आया -1 और फिर आया 3 और 8 11, 11 इंटू 1 इज 11, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो -21 + 11 इज -10। और अगर ये -10 आ रहा है तो वाई जो है वो होगा वाई इज इक्वल टू डेट ऑफ वाई अपॉन बेसिक डेट विच इज 2, ठीक है। इसी तरह से आप जेड भी ढूंढ सकते हो, जेड ढूंढने में मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। अच्छा ये याद रहे कि हमने यहाँ पर क्रैमर्स रूल अप्लाई किया, और मैं चाहता हूँ कि आप सारे वीडियो लेक्चर्स एक सीक्वेंस में देखो ताकि चीज़ें समझ में आएँ। फर्दर मोर ये जो मैं अभी सवाल सॉल्व कर रहा हूँ ये स्प्रिंग 2011 का क्वेश्चन नंबर 4A है IKF के पेपर्स का, तो सवाल और उसका जवाब भी मेरे प्रैक्टिस मैनुअल से आप सामने रखोगे तो आराम से चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा सवाल में हमारे पास ऑप्शन था क्रैमर्स रूल का या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का, मैंने क्रैमर्स रूल से सवाल सॉल्व किया। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में क्या होता है, हमने ये जो 3 मैट्रिक्स फॉर्म करे थे, मैं वापस से अगर इनको लिख दूं, जो हमने 3 मैट्रिक्स फॉर्म कर लिए थे वो 3 मैट्रिक्स फॉर्म हमने किए थे 2 3 -1 -1 2 2 1 2 -1, दूसरा मैट्रिक्स हमने फॉर्म किया था एक्स वाई और जेड, और तीसरा हमने मैट्रिक्स फॉर्म किया था -1 8 और 1। हम क्या करेंगे, हम ये जो 3 मैट्रिक्स हैं ए है बी है और सी है, जो 2 बाई 2 मैट्रिक्स में हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई की थी, इसी तरह हम दोनों साइड्स को ए इनवर्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ए का इनवर्स कैसे निकालना है, ये बहुत ही लंबी एक कहानी है। आपने डिटर्मिनेंट निकाला, फिर मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स निकाला, फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकाला, फिर उसका एडजॉइंट निकाला, और फिर ए इन्वर्स निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट किया तो जाकर इन्वर्स आता था। इन्वर्स निकालने की एक एग्जांपल मैं पहले कर चुका हूँ तो दोबारा से उसको रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन आप IKF के आंसर से इसको रेफ़र करो, या फिर अगर आप इन्वर्स खुद निकालोगे तो जो ए का इन्वर्स आएगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो इफेक्टिवली मैं चलो सॉल्व करते हुए लिखता हूँ। अच्छा इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, IB इज इक्वल टू A इनवर्स 1 C, और IB जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई होगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना तो XYZ ही बचेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चला जाएगा। अच्छा ए इनवर्स का जो आपका आंसर आना चाहिए, मैंने वो सारी वर्किंग एवॉइड करी है यहाँ पर, वो आना चाहिए 6/5। नेक्स्ट एलिमेंट होगा -1/5,
नेक्स्ट एलिमेंट होगा 4/5, फिर -1/5, 1/5, 1/5, उसके बाद जो तीसरी रो के एलिमेंट्स हैं वो यानी कि -8/5, 3/5 और -7/5। अच्छा, सी के जो एलिमेंट्स थे वो तो ऐसे ही रहेंगे, -1/8 और 1। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। एक्स वाई जेड जो आएगा, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहली रो मल्टीप्लाइड बाय पहला कॉलम यानी कि -6/5। आप लिख लो अपने कैलकुलेटर पर -6/5, -8/5 प्लस 4/5, तो ये बनेगा -2। इसी तरह से फिर दूसरी रो पहला कॉलम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 1/5 प्लस 8/5 प्लस 1/5 सॉल्व होकर आएगा 2। और फिर इसी तरह -8/5 इंटू -1 इज 8/5, 3/5 इंटू 8 इज जो भी आएगा, और माइनस होगा 7/5 इंटू 1 विच इज 7/5, सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5। ठीक है, मैंने काफ़ी शॉर्ट में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सॉल्व किया है, क्लास में ज़रूर इसको डिस्कस किया जाएगा, तो ये आपका आंसर बनता है।